जनपद शामली से है कैराना सांसद प्रदीप चौधरी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत लगभग 15 करोड़ की लागत से बनने वाली सड़क का किया शिलान्यास। वहीं आपको बता दें कि जनपद शामली के कस्बा चौसाना के कैराना सांसद प्रदीप चौधरी के द्वारा ही थाना भवन मार्ग का शिलान्यास किया गया। वहीं भाजपा नेता जिला पंचायत सदस्य ठाकुर करण सिंह के द्वारा सामूहिक रूप से बता दें कि फूल माला पहनाकर सांसद महोदय का जोरदार स्वागत किया गया, जिसके बाद सांसद प्रदीप चौधरी के द्वारा ही विधिवत रूप से पूजा और नारियल तोड़कर 15 करोड़ की लागत से प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत बनने वाली सड़क का शिलान्यास किया गया, जिसके बाद सांसद महोदय द्वारा ही कस्बा ऊन पहुंचकर समुदाय स्वास्थ्य केंद्र ऊन में हेल्थ एटीएम का भी शुभारंभ किया। प्राइम मेकिंग न्यूज चैनल के लिए जनपद शामली से राजवीर चौधरी, कैमरामैन अकबर राणा के साथ। क्या कितने इसकी जो है धनराशि स्वीकृत है और ये कितना लंबा रास्ता है? ये लगभग 16.5 किलोमीटर की सड़क है जो चौसाना जाने वाली है। इसकी लगातार डिमांड यहाँ के स्थानीय लोग करने का काम कर रहे थे, कुछ खराब भी थी, चौड़ीकरण की भी आवश्यकता थी। उसी के निमित्त इस सड़क की स्वीकृति होने का काम कर रहे हैं। लगभग 14 करोड़ रुपये से ज़्यादा की लागत से सड़क बनने का काम होने जा रहा है। इसके अलावा अन्य भी सड़कें हैं जैसे चौसाना से मरम्मत की भी मांग थी, चौड़ीकरण की भी मांग थी और अच्छी सड़कों बन जाए, ये मांग लगातार चलती थी। इसके अलावा मैंने बहुत सारी सड़कें आप लोगों को जानकारी में देने का काम किया है। उन सभी सड़कों पर कुछ को काम पूरा हो चुका है, कुछ काम अच्छा। सर, इनकी गुणवत्ता को लेकर कहीं ना कहीं एक मामला सामने आया है, घटिया सामग्री का यहाँ पर जो घटिया सामग्री किया जा रहा है, घटिया सामग्री से सड़क नहीं बनेगी। घटिया सामग्री से अगर सड़क बनेगी उसकी हम जांच कराने का काम करेंगे। वो सड़क चौसाना से लेकर के ऊंट के लिए एक विषय को लेकर के आया है, वो अभी उस पर एक ही कोर्ट का तारकोट बना है। लोग उस एक कोर्ट के तारकोट को ही फाइनल कोर्ट मान रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, उसमें डबल कोर्ट का तारकोट पड़ना है और जो भी काम से उसका रहना है और वो काम पूरा अच्छी क्वालिटी के साथ ही काम पूरा कराएंगे। तो सर, कोरोना काल के बाद में यहाँ पर जो छात्र छात्राएं हैं और आम नागरिक हैं, उनके सामने एक बहुत बड़ी समस्या बसों का जो आया है, उसके बारे में समझा सर। कोरोना काल के बाद में जो लोकल बसें इन रूटों पर आती हैं वो बिल्कुल बंद हो गई है सर। अगर ऐसा कुछ विषय है वो मुझे आप लिख करके दे दीजिए। कहीं ना कहीं विद्युत कर्मचारियों के द्वारा भी यहाँ पर क्षेत्र की जनता का उत्पीड़न किया जा रहा है, लगातार कई मामले ऐसे सामने आए, ऐसे विषय आए थे। कुछ स्थानीय जो कर्मचारी बिजली घर पर रहते थे, पिछले दिनों इस विषय को लेकर के बातचीत हुई थी। हम लोगों ने यानी कि एमडी लेवल पर भी, चीफ के लेवल पर भी, एससी के लेवल पर भी इस बात को रखने का काम किया था। निचला हमारा जो विद्युत विभाग के कर्मचारी है थोड़ा सा उनको समझाइएगा, ताकि लोगों के साथ उनका सामंजस्य अच्छा रहे, अच्छे व्यवहार के साथ लोगों से बताएं। सर, चौसाना एक बहुत बड़ा आज कस्बे के रूप में चौसाना सामने आया है और देहात के लोगों को मूलभूत आवश्यकताएं जो होती हैं चौसाना से पूर्ति करते हैं। एक यहाँ पर PNB बैंक है जिसमें हमेशा नोटबंदी जैसे हालात रहते हैं, इसके बारे में सरकार ये विषय आया भी था पिछले दिनों, वो उसका मैनेजर का विषय आया था। मैनेजर संभवतः मुझे जहाँ तक जानकारी हो गया ट्रांसफर हो गया, उसका ट्रांसफर हो चुका है और मैं समझता हूँ उसके अलावा कुछ भी ऐसी समस्या रहेगी बैंक से संबंधित उसको। अच्छा सर, जब किसानों की फसल बेचने का जब